आपने वीडियो एंड तक देखनी है और अगर आपको इस वीडियो की एक्सरसाइजेस भी चाहिए इस हमारे चैप्टर की तो वो आप कमेंट कर सकते हैं उसकी वीडियो एक लेक्चर बनाकर सारी एक्सरसाइजेस का हम अपलोड कर देंगे ओके वो भी हम इस वीडियो के फौरन बाद ही कोशिश करेंगे अपलोड करने की लेकिन फिलहाल हम समरी देखते हैं इसकी ओके तो आ, समरी के मैंने कुछ इन्हें की पॉइंट्स में डिवाइड किया हुआ है ठीक है सबसे पहले समरी में हम देखेंगे डिटेल ऑफ रोबरी ये जो लूटमार हुई थी उस दुकान में इसकी डिटेल्स क्या है ये कैसे हुई कब हुई कहाँ हुई क्या टाइमिंग था ठीक है वो देख लेते हैं हम तो 18 जून ओके को तकरीबन ढाई बजे दो चोर जिन्होंने मास्क पहने हुए थे ओके वेरिंग लूज वाइट कोट्स वाइट कोट्स उन्होंने पहने हुए थे जैसे डेंटिस्ट जो डॉक्टर्स होते हैं ना उन्होंने वाइट कोट पहनने होते हैं ना उनका यूनिफॉर्म ये होता है तो ऐसे उन्होंने कोट पहने हुए थे उन्होंने अपना जो फेस था उन्हें कवर किया हुआ था अपने फेस को उन लोगों ने विथ मिकी माउस मास्क ठीक है फेस कैसे कवर किया हुआ था उन्होंने उन्होंने अपने फेस पर मास्क चढ़ाए हुए थे कौन से मिकी माउस मिकी माउस कार्टून तो आप सबने देखे ही होंगे ठीक है तो ये जो लुटेरे थे दो लोग वाइट कोट में मास्क पहना हुआ मुंह पर यह क्या करते हैं यह जो मेन ब्रांच होती है ना ऑफ न्यू एरा ज्वेलर्स एट टेन मेन स्ट्रीट ये उसकी लोकेशन है यहां पर वो दोनों लुटेरे आ जाते हैं ठीक है आकर यहाँ पर जो मेन ब्रांच होती है ज्वेलरी शॉप की वहां पर आते हैं वन ऑफ देम वाज होल्डिंग अ रिवॉल्वर उनमें से एक के हाथ में रिवॉल्वर था ठीक है पिस्टल था पॉइंटेड एट द स्टाफ जो लोग वहां पे काम करते थे उनकी तरफ उन्होंने अपने पिस्टल से इशारा किया जो दुकान का वहां पर स्टॉप सॉरी स्टाफ था अमला था काम करने वाला इन दूसरे के पास थोड़ा था ठीक है बहुत बड़ा उसने हाथ में पकड़ा हुआ था और वो चिल्लाता है शाउट करता है जोर से बुलंद आवाज में वो चिल्लाता है और भी अपने हाथ ऊपर करो वरना हम गोली चला देंगे ठीक है द आर्म रॉबर विथ हीज

और उस ज्वेलरी की जो कीमत है वो मिलियन रुपीज में है ठीक है वो सौ रुपए की हजार की या लाखों की नहीं बल्कि करोड़ों अरबों की वो ज्वेलरी थी देन शिप एंड ऑफ देयर मास्क जंपिंग इन टू वेटिंग वाइट डस्टून ड्रोव अवे ओके फिर वो वहां से भागते हैं अपने मास्क को अपने फेस से उतारते हैं और एक वाइट डेटसन जो एक वाइट डेट से वहां पे खड़ी होती है ओके कार वहां पे खड़ी होती है उसमें वो जंप करते हैं भागते हैं उसमें और ड्रॉप अवे और वो भाग जाते हैं ठीक है ये था उनकी रोबरी का हिस्सा जैसे उन्होंने रोबरी की थी देर वॉज अ ड्राइवर इन द कार हु ड्रॉप द कार ओके कार में एक ड्राइवर था जिसने कार को ड्रॉप किया और दो ये लोग मीन्स तीन लोग हो गए ठीक है मिस्टर सेजल ये कौन है अब द मैनेजर ऑफ द ज्वेलरी शॉप ज्वेलरी शॉप का जो मैनेजर है ये क्या करता है ये उनके पीछे भागता है ठीक है लेकिन ये उनके फेस देखने में नाकाम रहता है उनके चेहरे नहीं देख पाता कि वो दो लोग कौन थे ठीक है और ये नंबर भी उस कार का नोट नहीं कर पाता जो वाइट डेट्सन वहां पर खड़ी थी ना उसका नंबर भी ये नोट नहीं कर पाता क्यों क्योंकि इसकी साइट बहुत वीक होती है ठीक है इस वजह से ये कार का नंबर भी नोट नहीं कर पाता अब जो हमारे लेसन में दूसरा पॉइंट आता है रिपोर्ट ऑफ ट्रैफिक डिपार्टमेंट जो ट्रैफिक डिपार्टमेंट है वो भी रिपोर्ट करता है वहां से भी पता करते हैं जब इन्वेस्टिगेशन होती है ठीक है वो क्या बताते हैं वो कहते हैं कि जब रोबरी हो रही थी ना तो तब एक ट्रैफिक सर्वे भी वो लोग कर रहे थे ठीक है जो मेन स्टेट का एरिया है ना जहां पे रोबरी हो रही थी वहां पर वो एक ट्रैफिक सर्वे भी कर रहे थे तो डिपार्टमेंट ने क्या किया था टीवी मॉनिटर्स लगाए हुए थे एट बैंक रोड ओके जो बैंक का रोड है ना जहां पर यह हुई थी वारदात वहां पर इन्होंने सीसीटीवी कैमरास भी लगाए हुए थे ओके। ठीक है अब आगे हम देखते हैं फिल्म ऑफ टीवी कैमरा इट वाज रिवील्ड दैट ऑन एटीन जून इन पीरियड ऑफ टू फोर्टी सिक्स टू थ्री थर्टी पी ओनली टू वाइट डेटसन का लेफ्ट द एरिया जो कार थी उसका लाइसेंस नंबर था ये वाला ठीक है जी ए एल फोर नाइन टू सिक्स और जो दूसरी कार थी उसका लाइसेंस नंबर था एल एच ई ट्वेंटी वन नाइन सेवन ओके तो फिर वो रिपोर्ट करते हैं कि दो बजकर छतालीस मिनट और तीन बजे के दरम्यान में सिर्फ दो वाइट डेटसन वहां से गुजरी है और उनका में से एक का नंबर यह था लाइसेंस नंबर और दूसरी का लाइसेंस नंबर यह था ठीक है द कैमरा सेटअप ऑन द बैंक रोड अ थर्ड वाइट वैन सीन एट पी एम ओके एक तीसरी गाड़ी भी देखी गई थी ढाई बजे दैट कार अ वॉजन कार विच डिड नॉट लीव द एरिया बट टर्न साइड फ्रॉम द बैंक रोड एंड रैन अलंग स्टेट इन द डायरेक्शन ऑफ ईस्ट वो एक चोरी की गई कार थी जो कि ईस्ट की तरफ जा रही थी ठीक है और उसका लाइसेंस नंबर जो रिकॉर्ड हुआ था वो ये है आर आई टी सेवन एट सिक्स एट ठीक है अब हम समरी के तीसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन थी अबाउट द थ्री वाइट कार्स ये जो तीन वाइट कार्स देखी गई तीन में पुलिस ने क्या देखा था तो जो इंस्पेक्टर आजम होता है उसे ये ड्यूटी दी गई होती है कि आप इस पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करेंगे जो कि ज्वेल ड्रेवरी हुई है ठीक है उस शॉप में जो हुई है तो ये क्या करते हैं ये अपना एक बंदा भेजते हैं कहाँ भेजते हैं इंक्वायरी करने के लिए ठीक है फुल इंक्वायरी हो सके आखिर इस केस में हुआ क्या था कि इस चीज की इंक्वायरी ये जो तीन सस्पेक्टेड वाइट कार्स हैं ठीक है सस्पेक्टेड मीन्स जिस पर शक होता है हमें ये तीन कार जिन पर शक था उसके पीछे ये अपना एक बंदा भेजते हैं आप जाएं और जाकर देखें और इन कार्स की मालूम लें ठीक है तो सबसे पहले वो जाता है और जो डेटसन वैन होती है जी ए एल फोर नाइन टू सिक्स नंबर वाली इसका जाकर वो पता करता है कि यह कार किसकी है इसमें कौन था और यह कार वहां पे क्या कर रही थी तो ये कार किसकी होती है यह होती है मिस्टर मासूद हसन की ठीक है मिस्टर मसूद हसन की यह कार होती है जो कि अट्ठारह जून पर वो अपने फ्रेंड मिस्टर आसिफ जान को छोड़ने जाता है नेशनल बैंक ठीक है नेशनल बैंक में वो अपने फ्रेंड को आसिफ जान को छोड़ने जाता है और वो अपनी कार को पार्क कर देता है इन द कार पार्क अपोजिट टू द बैंक जो बैंक के सामने कार पार्क होती है ना वहां पर वो अपनी कार को पार्क कर देता है तो ये बंदा क्लियर हो गया कि इसने तो कुछ ऐसा वैसा नहीं किया उसने अपनी क्लियरिफिकेशन दे दी अब दूसरी जो वैन थी इस लाइसेंस नंबर वाली सेवन एट सिक्स एट वाली अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट ऑफ द ऑनर ऑफ दिस कार नेमली मिसिज एवा चिनोए ठीक है इसकी ऑनर एक लड़की थी मिसिज एवा चिनोए तो वो कहती है कि मैं अपनी इस कार को क्या करती हूँ अजीज मैं अपनी इस कार में अपनी फ्रेंड मिस सिमी अजीज के साथ एलिगेंस हेयर सलून में गई थी ठीक है वो ये बताती है इन मेन स्ट्रीट जो कि मेन स्ट्रीट में है एंड अराइव देयर एट वन थर्टी पीएम और वो कहती है कि मैं तो डेढ़ बजे वहां पर पहुंच गई थी ठीक है ड्रॉप मिस अजीज फिर मैंने मिस अजीज को वहां पर छोड़ा और जो मेरी कार थी उसे मैंने पार्क कर दिया नदीम रेस्टोरेंट में ठीक है फिर वो नदीम रेस्टोरेंट चली जाती है तो वो अपने स्टेटमेंट में यह बता रही होती है टू रेलिश दिस रेस्टोरेंट इज लोकेटेड एट कैट लेन राउंड द कॉर्नर फ्रॉम द एलिगेंस एलीगें ठीक है यह कहाँ पर होता है यह इसकी पूरी लोकेशन है कि यह रेस्टोरेंट नदीम रेस्टोरेंट कहाँ पर वाक्य है ओके तो वो अपनी स्टेटमेंट में वो भी बताती है कि शी स्टेड इन द रेस्टोरेंट वो उस रेस्टोरेंट में रुकी भी

और फिर वो कहती है कि मैंने वापस कार को ड्राइव किया और मैं अपने घर आ गई मेन स्ट्रीट रोड और मेन रोड में से गुजरती हुई द द कार पार्क रिकॉर्ड प्रूव एंड डिपार्चर स्टेटेड ओके अब जो लास्ट चीज हम समरी में देखेंगे वो है रिपोर्ट बाय डिटेक्टिव न्यास जो डिटेक्टिव न्याज जिसे इंस्पेक्टर आजम ने भेजा था कि आप जाकर पूरा इन तीनों चीजों का मामला पता करो कि आखिर हुआ क्या था ये तीन गाड़ियां वहां पर क्या कर रही थी तो इंस्पेक्टर आजम और जो डिटेक्टिव न्याज होते हैं ना इन्होंने मिस्टर आसिफ जान मिस्टर सिमी एंड मिस्टर न, नदीम इस्माइल एंड प्रोवाइडेड फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अबाउट देयर वेयर अबाउट इन द आफ्टरनून ऑफ एटीन जून तो इन चीज तीनों ने इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन की कि ये अठारह जून को दोपहर के टाइम ये लोग कहाँ थे ओके okay, कौन कौन आसिफ जान मिस सिमी अजीज और मिस्टर नदीम ये तीनों लोग ठीक है इनकी सारी इन्वेस्टिगेशन की और फिर इन्होंने एक, एक स्टेटमेंट दी वो जो, जो स्टेटमेंट ये है वो स्टेटमेंट क्या है वो ये है मिस अजीज जो थी वो कहाँ थी वो एलिगेंस हेयर सलोन में थी एक बजे से लेकर तीन बजे तक मिस्टर जान जो था वो नेशनल बैंक में था ढाई बजे से लेकर साढ़े तीन बजे तक और जो मिस चिनोए थी इन्होंने नदीम रेस्टोरेंट में यह गई इन ऑल आफ्टरनून ऑफ एटीन जून एंड लेफ्ट द रेस्टोरेंट एट टू थर्टी ओके और दो ढाई बजे इन्होंने अपना जो रेस्टोरेंट था वो वहां से छोड़ दिया फिर अब अब ऑफ ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड प्रिपरेशन सिचुएशन चार्ट हम ये देखते हैं कि बाकी फिर बाद में क्या हुआ जो सिचुएशन चार्ट बना था उसमें क्या होता है फिर जो मिस्टर होता है ना पुट ऑल इन्वेस्टिगेशन ऑन चार्ट ऑन द्विट बोर्ड एंड अ स्ट्रीट प्लान ऑफ रोबरी एरिया तो जो रोबरी का एरिया होता है जहां पर वो वादात हुई होती है उसका एक स्ट्रीट प्लान बताते हैं वो इन्वेस्टिगेशन चार्ट को बोर्ड पर ड्रा करके वो क्या समझाते हैं फिर वो एक डिटेल्ड कंप्रीहेंशन डिस्कशन करते हैं ऑन द रोबरी केस जो रोबरी हुई थी ठीक है वो अपने स्टाफ को समझाते हैं और एक लिस्ट बनाते हैं सस्पेक्ट्स की जो उनको शक होते हैं ना उन चीज की और वो डिसाइड करते हैं कि हम और ज्यादा क्वेश्चन करेंगे और ज्यादा हम सवाल करेंगे टू अप्रीहेंडेड द रियल क्रिमिनल्स ताकि जो रियल क्रिमिनल्स हैं

आई एम सॉरी वीडियो हम ज़्यादा थोड़ी लंबी हो रही है हमसे हालांकि मैं अभी इंग्लिश नहीं पढ़ रहा सिर्फ उर्दू में आपको बता रहा हूँ क्योंकि इंग्लिश लिखी हुई है सामने स्क्रीन में वो आप पढ़ सकते हैं ठीक है तो फिर भी वीडियो की टाइमिंग थोड़ी लंबी हो रही है तो आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा अभी हमने क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करने ओके तो डिफ़िकल्ट वर्ड्स में सबसे पहला वर्ड है पोस्टपोन इसका मतलब होता है डिले करना देर हो जाना किसी चीज़ में डिटेक्टिव कौन होता है डिटेक्टिव वो पर्सन होता है वो बंदा होता है जो इन्वेस्टिगेट करता है ठीक है खोज लगाता है किसी चीज की शैम्पेन किसे कहते हैं ऑर्गेनाइज मेथड ऑफ वर्किंग ओके सुफिशेंट मींस इनफ बहुत मीन्स कैरी आउट ऑफ क्राइम कोई गुनाह करना ओके okay? कंपनसेशन कहते हैं पेमेंट करना डेमेज के लिए जो नुकसान होता है उसकी पेमेंट करना इस्टेबलिश कहते हैं सेटअप करने को ओके okay? अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं क्योंकि यह भी बहुत ज़्यादा जरूरी होता है आप स्टूडेंट्स डिमांड करते हैं जुर्म हो गया था तो पुलिस किस किस्म के एविडेंस को इकट्ठा करने की कोशिश कर रही थी तो पुलिस जो थी वो इंटरव्यू कर रही थी ठीक है ये मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ और लिखा हुआ है आप पढ़ सकते हैं आपको ये एक्सरसाइज अगर पीडीएफ में चाहिए तो आप हमें वीडियो नीचे कमेंट कर सकते हैं हम आपको ईमेल कर देंगे ठीक है वो इंटरव्यू कर रहे कि इनका जो थे किनका आई विटनेसिस उनका जो उस मौके पर जब ये क्राइम हो रहा था जब रोबरी हो रही थी तो वो वहां पर मौजूद थे ठीक <coughs> है सो so, आई विटनेस जो होते हैं जो वहां पर मौजूद होते हैं लोग डिस्क्राइब द फीचर्स एंड अपेयरेंस ऑफ द क्रिमिनल्स तो वो बताते हैं कि क्रिमिनल इस तरह के थे वो ऐसे थे दिखने में ठीक है फिर वो लाइसेंस नंबर जो उन कार्स का होता है वैन या मोटरसाइकिल जो यूज बाई क्रिमिनल्स ठीक है इफ रीड बाई दिक्ट क्राइम देन दे शुड बी नोटेड अगर वो कोई बंदा वहां पर पढ़ लेता है तो वो उसे नोट करता है कि उस कार का नंबर क्या था तो वो पुलिस वाले उससे नंबर पूछने की कोशिश करते हैं ताकि हमें पता चल सके चोर कौन है तो फिर आगे क्या करते हैं कि वो जो ऑनर होता है उनको इंटरव्यू करते हैं ज्वेलरी शॉप का जो पीपल वहाँ पर पास में रह रहे होते हैं जहाँ पर ये क्राइम हुआ था ठीक है और आल्सो इंक्लूडेड इन द इन्वेस्टिगेशन उन्हें भी इन्वेस्टिगेशन पूछताछ में वो शामिल करते हैं तो ऐसे स्टेप्स लिए गए थे पुलिस से ताकि क्रिमिनल्स जहाँ पर छुपे हुए हैं वहाँ पहुँचा जा सके ठीक है ये मैं आपको बिल्कुल शॉर्ट सा बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है तो आप ये सब आपके सामने लिखा हुआ है आप वीडियो को पॉज करके आपको अगर लिखना हो तो इन्हें लिख सकते हैं वरना आप हमें कमेंट कर सकते हैं हम आपको इसकी फाइल दे देंगे क्वेश्चन नंबर टू है कि क्या ये जरूरी है पुलिस का वहां पर जाकर उस जगह पर जाकर पूछताछ करना जहां पर चोर पहले ही क्राइम करके भाग चुके हैं पुलिस फिर वहां पर क्यों जाती है जब चोरी वहां से भाग गई होती है तो इसका जवाब है कि चोर भले कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो ठीक है लेकिन वो जब वहां से भागता है ना तो वो कोई ना कोई ऐसी मिस्टेक जरूर कर देता है जिससे क्या होता है वो पकड़ा जाता है ठीक है स्पॉट ऑफ क्राइम पर क्राइम की जगह पर वो कुछ ना कुछ अपने पीछे क्लू छोड़ ही देता है कोई ना कोई निशान अपने पीछे छोड़ ही देता है ठीक है ये यह देखे यहाँ पर भी यही चीज लिखी हुई है तो वो चीज फिर पुलिस की हेल्प करती है कि वो क्रिमिनल को चेस कर सके क्रिमिनल का पीछा कर सके ठीक है और फिर कुछ ऐसी चीज भी मिल जाती है जिसे जो पुलिस डॉग्स होते हैं वो उसे समेल कर सकते हैं ठीक है सूंख सकते हैं और फिर वो क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हैं उन चीज को सूंखते हुए जैसे हमने अक्सर फिल्मों ड्रामों में देखा हुआ है ठीक है तो जो चोर होते हैं उनका हैंड का कस्िफ रुमाल भी गिर सकता है वहां पर जहाँ पर वो चोरी कर रहे थे तो कुत्ता उन्हें सूंख कर वहां जाकर उन्हें पकड़ सकता है ठीक है फिंगरप्रिंट्स उनके मिल सकते हैं उस जगह से विजिटिंग कार्ड उनका कोई मिल सकता है हमें तो इसलिए फिर पुलिस जाकर उस जगह को उस जगह की तलाशी लेती है ताकि हमें वहां से कुछ मिल सके और हम चोरों के पीछे जा सके ओके अब है कि पुलिस ने किस किस्म के लोगों का इंटरव्यू लिया था जब वहां पर यह चोरी हो गई थी तो पुलिस ने सबसे पहले तो एक लिस्ट बनाई थी ठीक है और फिंगरप्रिंट्स यह सब चीजें वहां पर इकट्ठा की थी ताकि वो क्रिमिनल्स को ट्रेस कर सकें, उनके पीछे जा सकें, ओके सम सच हिस्ट्री शीट्स आर इंटरव्यूड टेकफुली फर्दर इन द इंटरव्यू द स्टाफ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन शॉप इन व्हिच क्राइम इज कमिटेड इज इंक्लूडेड तो ये वही बात जो पीछे हो गई है ठीक है जो उस शॉप का ऑर्गेनाइजर था उसका भी इंटरव्यू लिया गया था ओके और ये भी पता करने की कोशिश की गई थी कि कहीं क्रिमिनल्स उस शॉप के ही लोग तो नहीं जो ठीक है क्योंकि जो बंदा वहां पर काम कर रहा होते हैं उन्हें सब पता होता है कि कौन सी चीज कहाँ पर पड़ी हुई है तो इसलिए वो पता करने की कोशिश कर रहे थे कहीं इसी दुकान का को कोई बंदा तो नहीं क्रिमिनल के साथ मिला हुआ ओके समटाइम्स द वॉचमैन एंड द अदर स्टाफ कोऑपरेट विद क्रिमिनल्स इन कमिटिंग सो सच पीपल हैव बी इंटरव्यूड एंड में तो ऐसे लोगों का इन्होंने इंटरव्यू लिया और इंटरोगेट उन्होंने क्योंकि उनसे पूछताछ थी की ठीक है अब है कि जिन लोगों का इंटरव्यू लिया था उनसे रिटन स्टेटमेंट्स क्यों ली पुलिस ने ओके okay? पुलिस टेक्स रिटन स्टेटमेंट्स टू तो कॉन्ट्रैक्ट एन इन्वेस्टिगेशन प्लान टू पॉन्डर ओवर द डिस्कस्ड इन ऑर्डर टू तो हैव अ क्लू टू लोकेट द क्रिमिनल्स हाउ पुलिस डिटेक्टेड द स्टेटमेंट इज नॉट ट्रुथफुल अब पुलिस को यह कैसे पता चलता है कि यह जो स्टेटमेंट है ये ट्रूथफुल नहीं है क्यों क्योंकि पुलिस इंटरव्यू करती है ठीक है स्टेटमेंट लेती है वो जो सिलेक्टेड विटनेस होते हैं जिनको वो सिलेक्ट करते हैं वो उनको शॉर्टलिस्ट करते हैं कि इन्होंने देखा है क्राइम होते हुए तो फिर वो उन सब की सबका इंटरव्यू लेते हैं ठीक है स्टेटमेंट लेते हैं और उन लोगों का भी लेते हैं जो क्राइम को होते हुए वो जानता है कि यहाँ पर क्राइम हो रहा था उसे पता था तो फिर वो क्या करते हैं उन्हें रिकॉर्ड करते हैं एक फाइल में और उन चीजों को कंपेयर करते हैं एक दूसरे से कंपैरिजन करते हैं उन सब सबका उन सब की बातों को देखते हैं कि किसने क्या बताया है हमें तो फिर जब वो कंपैरिजन कर लेते हैं ना तो अगर वो देखते हैं कि कोई स्टेटमेंट वो डिफरेंट है दूसरे स्टेटमेंट से फॉर एग्जाम्पल आठ बंदों ने एक बात की है बीच में से दो बंदे ऐसे थे जिन्होंने अलग बात कर दी तो वो जिन्होंने अलग बात कर दी है ना उस पर फिर शक जाता है कि ये झूठ बोल रहा है ठीक है तो इसी तरह वो उन्हें पता चल जाता है कि ये अन ट्रू स्टेटमेंट है यह स्टेटमेंट ठीक नहीं है तो इसी वजह से फिर वो फर्दर क्वायरीज करते हैं जिन्होंने गलत स्टेटमेंट दी होती है ताकि वो ट्रुथ का पता कर सके और उन्हें क्लू मिल सके कोई सुराख मिल सके ताकि वो क्रिमिनल्स तक पहुंच सके ओके okay? अब क्वेश्चन नंबर सिक्स है व्हाट डू यू थिंक द पुलिस डू विद द स्टेटमेंट्स एंड अदर एविडेंस टू कलेक्ट जो एविडेंस वो कलेक्ट करती है

आई विटनेस एनी शाहिद के बगैर जो क्राइम की मिस्ट्री है राज है उसे सोल्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है पुलिस के लिए क्राइम के पीछे क्या रीजन हो सकते हैं क्राइम के पीछे कोई एक रीजन तो नहीं हो सकता क्राइम के पीछे जुर्म करने के पीछे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं ठीक है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रीजन है ना वो वही है कि वो आ, मनी के लिए क्राइम करते हैं ठीक है पैसों के लिए लोग जुर्म करते हैं चोरियां करते हैं क्यों? क्योंकि जो क्रिमिनल्स हैं वो उन्हें एक बिग मनी चाहिए होती है ठीक है बिग अमाउंट ऑफ मनी बहुत ज्यादा पैसा उन्हें चाहिए होता है विदाउट एनी लेबर बगैर काम किए तो इसलिए वो क्या करते हैं वो ओवर रिच होना चाहते हैं ठीक है इसलिए फिर वो चोरी करते हैं वो गुनाह करते हैं जो दूसरे रीजंस हो सकते हैं वो एनिमोसिटी हो सकती है दुश्मनी हेटर नफरत हो सकती है प्रिजीज हो सकती है जेलियसी होना किसी से किसी से बदला लेना इंतकाम लेना ये सारे रीजंस हैं एक क्राइम के पीछे ठीक है अगर हम किसी को हमारी दुश्मनी होती है किसी से नफरत करते हैं तो हम फिर उसका नुकसान करने की कोशिश करते हैं इन सब में से जो एनिमोसिटी है ना दुश्मनी जिसे एनिमिटी भी कहते हैं इज द मोस्ट पावरफुल ड्राइविंग फोर्स ये सबसे ज्यादा पावरफुल फोर्स है जो हमें गुनाह करने पर क्राइम करने पर जुर्म करने पर मजबूर करती है जो कि ग्रीड ऑफ वेल्थ वेल्थ की लालच दौलत की लालच के बाद जिसका दूसरा नंबर है वो क्या है एनिमोसिटी और एनिमिटी सबसे पहला होता है इंसान का मकसद लालच पैसा लेना दूसरा होता है दुश्मनी इन दो चीज़ों के बिना पर इंसान जुर्म करता है अब क्वेश्चन नंबर एट है व्हाट वुड यू कंसीडर कंसिडर सफिशिएंट फॉर द पुलिस टू इंटरव्यू एंड ओपटेन स्टेटमेंट फ्रॉम वन पर्सन ओनली गिव रीजंस फॉर योर आंसर ठीक है, तो इसका आंसर यही होगा कि इट इज टू इंटरव्यू ओनली वन पर्सन एक ही बंदे से स्टेटमेंट लेना, सब कुछ पूछना, ये नाकाफी है इनफैक्ट द मोर इंटरव्यू द मोर इंफॉर्मेशन दे गेट जितनी ज्यादा लोगों का वो इंटरव्यू लेंगे उतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन उन्हें मिलेगी इफ देर आर क्लेशेस बिटवीन द स्टेटमेंट्स ऑफ द पीपल दे माइट आल्सो बी आफ्टर टॉकिंग टू मेनी पीपल ठीक है अगर कुछ लोगों की डिस्कशन में हैं वो आपस में नहीं मिलती तो फिर उन्हें वो दूसरों से इंटरव्यू करके दूसरे लोगों से इंटरव्यू करके वो उन क्लैशिज को दूर कर सकते हैं तो ये थी हमारी आज की वीडियो वीडियो लंबी हो गई है थोड़ी इसलिए आई वुड लाइक टू से सॉरी लेकिन हमने कोशिश की है कि आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाए इसके क्वेश्चन आंसर भी दे दिए इसकी समरी भी दे दी अब नेक्स्ट वीडियोज में हम इसकी एक्सरसाइजेस लेकर आएंगे चैनल के साथ बने रहिएगा सब्सक्राइब कर लीजिएगा अपने क्लासमेट्स के साथ वीडियो शेयर कर दें और उन्हें भी कहें कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें थैंक यू